वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन ब्रैनफोर्ड टेक्निकल एजुकेशन। अब जैसा कि आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हमने कंप्लीट वीडियो लेक्चर फर्स्ट में डाल दी। ये हमारा लेक्चर है 2.11 से। तो आप जो अपने वीडियोस की काउंटिंग करेंगे वो अकॉर्डिंग टू लेक्चर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि आपको जो वीडियो मिलेगी वो लेक्चर वाइज अगर आप सर्च करेंगे तो इजीली मिल जाएगी। तो जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट इसमें दिया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर क्यूब, यानी 528 मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो द लेंथ ऑफ द, ये क्यूब नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा, बाय मिस्टेकली राइट हो गया होगा। तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, यानी जो लेंथ है वो मीटर में हमें लेनी है, ब्रैकेट में हमें दे रखा है क्वेश्चन में। इन वन ऑफ इन इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। आपको क्या दे रखा है, एक एरिया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। जैसे अगर हम मान लें कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो इसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। एरिया का मतलब क्या होता है, जो हम मिडिल की बात करते हैं, जो मिडिल जितना स्पेस घेरता है वो हमारा होता है एरिया। तो ये हमारा आ गया एरिया, यानी 528 मीटर स्क्वायर। तो इसके बाद क्या कहा गया है, देखिएगा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी जो प्लॉट की लेंथ है वो क्या है, वन मोर है, यानी एक ज्यादा है, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ का ट्वाइस, यानी ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है। कौन ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है। तो हाउ वी डिस्कस दिस क्वेश्चन, हम किसको लेट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ट्वाइस किसका करना है, ब्रेथ का करना है। तो देखिएगा, इसमें हम लेंथ ना लेट करके ब्रेथ को लेट करेंगे। लेट विद द ब्रेथ, लेट बी द ब्रेथ, वी एक्स मीटर। हमने क्या लेट कर लिया, लेट जो हमारी ब्रेथ है वो कितनी होगी, भी एक्स मीटर होगी। और अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन बात करते हैं, जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ के दुगने का वन मोर है। तो लेंथ की बात करेंगे, सो दैट इट्स लेंथ, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ हमारे पास क्या है, एक्स है, और एक्स का ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा टू। इसमें वन मोर कर देंगे, वन मोर दिया है, तो हमने वन मोर, मोर का मतलब होता है प्लस, मोर मीन्स, यानी मोर की प्लेस पे हम प्लस को कंसिडर करेंगे, और क्या दे रखा है, वन, तो वन को हमने यहां लगा लिया। तो इसलिए यानी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, टू एक्स प्लस का वन हो जाएगी ये। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, यानी जो क्वेश्चन हमारा कहता है, तो क्वेश्चन में क्या होता है कि जो इसका एरिया है, एरिया क्या है हमारा, 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना गिवन है हमें, 528, ये इस तरीके से ले लेंगे। और जो हमारा फॉर्मूला होता है एरिया रेक्टेंगल का, एल इंटू बी होता है, मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमारा यहाँ पे एल इंटू बी कर लेंगे, 528 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, चलिए इसको एल राइट कर देते हैं और इसको यहाँ पे बी सो कर लेते हैं। तो यहाँ पे एल क्या हो जाएगा हमारा, 2x प्लस 1, एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स इक्वल टू 528। सेम कंडीशन, अब क्या करेंगे, जो हमें x दे रखा है, इस x का मल्टीप्लिकेशन पहले 2x से करेंगे, फिर इसी x का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे, और जो 528 है इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे। तो हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल जाएगी, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व कर लेंगे। दैट्स व्हाई वी विल फाइंड L एंड B, मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ को हम फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं।
अब यहाँ पे 2 और 2x और x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन इट विल बी 2x स्क्वायर, फिर 1 और x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x, और ये 5 टू 8 जो था ये हमारा इस तरफ ये आ गया और इक्वल टू में आ गया 0, यानी ये हमें क्या मिल जाएगी, एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म में मिल गया। तो क्या राइट कर देंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये किसकी फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिएगा ये जो कल मैंने क्वेश्चन कराए थे, यानी जो पहले वाली वीडियो में जो क्वेश्चन कराए थे उसका मिलता हुआ सेम पार्ट यहां तक आ गया है, और ये और पहले वाले क्वेश्चन सेम ही है इसी मेथड से, वो भी सॉल्व कराए थे। तो ये क्या हो जाएगी, एक सो दैट इट इज एन क्वाड्रेटिक, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व कर लेंगे। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 2 8। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे यहां पे जो 5 2 8 है, इस 5 2 8 के फैक्टर करेंगे, जैसे हम एलसीएम की तरह फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर करेंगे और यहां साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस करने पे उनके फैक्टर्स को इकट्ठा करेंगे और ये चेक करेंगे माइनस करने पे हमें मिडिल टर्म मिलना चाहिए, और मिडिल टर्म में क्या है, 1 है। यानी हम क्या करेंगे, पहले तो इनके फैक्टर करते हैं, और सबसे पहली बात तो ये यहां पे हमें दे रखा है 2, यदि ये सिंपल दे रखा होता x तो हम 5 टू 8 का फैक्टर करते, यहां पे हमें 2 दे रखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 और 5 टू 8 का करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो 5 टू 8 को 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इट मींस ये हमारा हो जाएगा 1056। तो हम क्या करेंगे, इस 1056 का फैक्टर निकाल लेंगे इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं फैक्टर किस तरीके से होगा हमारा, 2 5 10 हुआ, फिर 2 का फैक्टर लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे, 2 2 2 4 1 लेफ्ट आया 1 एंड 6 16 हो गया, 2 8 16 आ गया। अगेन 2 का टेबल करेंगे 5 में, तो 2 2 4 1 लेफ्ट आया 1 एंड 2 12 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया एंड 2 4 जा 8 हो गया। अगेन करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 आ गया, 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12, क्यों, क्योंकि यहां पे 1 आया लेफ्ट 1 और ये 2 12 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 हो गया। इसके बाद में 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6, अब ये 3 से होगा, 3 बन जा 3 एंड 3 बन जा 3 एंड नाउ 11 बन जा 11। तो ये हमारे फैक्टर मिल गए हैं हमें, अब इन फैक्टर्स को हम 2 फैक्टरों में इकट्ठा करेंगे, 2 टर्म बनाएंगे और इस तरीके से चेक करेंगे कि यहां अगर माइनस साइन है, यहां अगर माइनस साइन है तो माइनस करने पे मिडिल टर्म मिलना चाहिए उन दोनों फैक्टरों का, अगर यहां प्लस है तो प्लस करने पे मिलना चाहिए। अब हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, तो देखिएगा एक तो हमारा ये बन जाएगा 11 3 जा 33 और बाकी इनको इकट्ठा कर लेते हैं, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी यहां तक आने पे हमारा होता है 32। तो हमें क्या मिला, एक मिला 33 और दूसरा क्या मिला, 32 ये, और इनको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमें माइनस करने पर 1 मिलना चाहिए। तो देखिए अगर हम 33 से 32 को माइनस करेंगे तो हमें 1 मिल गया, और ये 1 चाहिए किसका, ये 1 हमें प्लस का ही चाहिए, तो यहां पे 33 को हम प्लस का रखेंगे और माइनस रखेंगे 32 के लिए। अगर यही वैल्यू हमें माइनस की चाहिए होती तो क्या करते, हम इसको
ये माइनस 33 कर देते और 32 जो है वो प्लस का कर देते, तो इस कंडीशन में हमें माइनस का वन मिलता, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो होता ही और माइनस का वन मिल जाता। लेकिन हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने इसको सेम प्रोसेस में सॉल्व कर लिया, यानी 33 को प्लस ही रखा और 32 को माइनस दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इन ये वाली वैल्यूज को यहां राइट कर लेंगे x को मिलाकर। कैसे, 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528, ये आ गया हमारा इस तरीके से, और इक्वल टू ये हमारा जीरो चलता ही रहा, चाहे इक्वल टू जीरो लगाएं या ना लगाएं, लेकिन लास्ट में हमें इक्वल टू जीरो लेना ही पड़ता है। अब क्या आ गया हमारा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन करेंगे और इन दोनों में कॉमन करेंगे। अब बात करेंगे कि कॉमन होता क्या है, तो कॉमन मीन्स होता है जो हमें मिनिमम, ऐसे मिनिमम वैल्यू या ऐसे मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी ऐसे मैक्सिमम वैल्यू जो दोनों के पास हो, जो दोनों टर्म में हमें मिल सके इजिली। तो देखिए इसमें हमें एक्स भी दोनों के पास है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी दोनों के पास है, लेकिन अगर यहां से हम 2 कॉमन करते हैं तो 2 इस 33 से 2 का डिवाइड नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम जिसमें भी कॉमन लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड लगाते हैं। जिस नंबर का भी हम कॉमन निकालते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, डिवाइड लगाते हैं। तो अगर इसमें x का डिवाइड लगाते तो x तो मिल जाएगा क्योंकि x दोनों में है, लेकिन अगर हम 2 का डिवाइड लगाएंगे 33 में तो डिवाइड कंप्लीटली नहीं होता है, इसलिए क्या है, 2 हमारा कॉमन नहीं होगा इस कंडीशन में। तो हम इन दोनों में क्या करेंगे, x को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर जो है वो इस तरीके से ब्रेक होगा x इंटू एक्स, यानी एक एक्स तो हम बाहर ले लिए और एक एक्स हमारा ये वाला बच जाएगा अंदर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक एक्स यहाँ आ गया, तो क्योंकि हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को तो कॉमन लिया नहीं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज आ गई हमारे पास, 2x थे तो यहाँ पे एक एक्स बच गया हमारे पास। अब देखिएगा इसमें क्या हुआ, x सिंगल ही था वो भी यहाँ पे आ गया कॉमन में, तो क्या बचा हमारे पास, 33 हुआ इस तरीके से। अगर अब भी आपके लिए कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे हम एक रफ प्रोसेस को सॉल्व करेंगे इस तरीके से, और हमने क्या किया, x कॉमन लेना है तो जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे आप डिवाइड लगाइएगा, देखिए उससे आप डिवाइड लगाइए। तो अगर हम x से डिवाइड लगाएंगे इस x के लिए, तो एक x तो कैंसिल हो गया, इससे एक x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, 2x ये बचा प्लस का 33, जो कि हमने यही तो लिखा यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई, 2x प्लस का 33 वैल्यू हमें ऑब्टेंड हो गई। सेम प्रोसेस क्या है, यहाँ पे भी हम करेंगे, जैसे कॉमन हमने यहाँ निकाला था ऐसे ही कॉमन हम यहाँ पे निकालेंगे, लेकिन इसमें क्या था, हमें x कॉमन मिल गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, x दोनों में नहीं है। जब x नहीं है इसका मतलब x तो कॉमन होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को चेकआउट करेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम चेकआउट करते हैं तो क्या है कि इनमें ऐसा कौन सा मिनिमम नंबर है जिससे हम डिवाइड लगाएं तो दोनों में कॉमन मिल जाए। अब क्या करेंगे हम, दोनों में डिवाइड लगाने के लिए, दोनों को कॉमन लेने के लिए, देखिएगा, लेकिन ये दोनों वैल्यू किसकी है, माइनस की है। सबसे पहले तो हम साइन को कॉमन करते हैं, तो यदि दोनों नंबर्स जो है अगर नेगेटिव वैल्यू में होते हैं तो उनमें साइन कॉमन लिया जाता है, और जैसे ही इन दोनों में जो दोनों का साइन है वो कॉमन आएगा तो जो अंदर की वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने माइनस कॉमन कर लिया, अब माइनस कॉमन को कर लिया लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू को भी कॉमन लेना है। लेकिन देखिएगा एक चीज और होती है, अगर हम यहाँ पे हमारा कॉमन सही बनेगा, अगर हम कॉमन सही तरीके से ले पाएंगे तो ये वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वैल्यू बचेगी सेम, यानी हमें ऐसा किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें यहाँ पे 2 मिल जाए। देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 है तो यहाँ पे भी 2 बचना चाहिए, तो अगर हम 32 में 16 से डिवाइड लगा देते हैं तो हमें यहाँ पे 2 मिल जाता है, क्यों, क्योंकि हमें टर्म इसी के जैसा सेम मिलेगा। तो हम अगर 16 से डिवाइड लगाते हैं 32 में तो हमें क्या मिलता है, 2 मिल गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 16 माइनस का 16 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 16 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, एक तो 2 आ गया
एक्स तो कॉमन लिया नहीं तो एक्स तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिएगा जब हमने यहाँ पे माइनस की डिजिट को कॉमन लिया था तो यहाँ पे ये अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता। इस चीज का हमें थोड़ा रिमाइंड रखना पड़ेगा क्योंकि जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन, यदि यहाँ माइनस है तो कॉमन माइनस ही आएगा, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो कॉमन प्लस आ जाएगा। आपको इतना माइंड रखना, अगर यहाँ माइनस है तो आप डायरेक्टली माइनस को कॉमन ले लीजिए और यहाँ का जो साइन हो वो चेंज कर दीजिए, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 16 से डिवाइड लगाया 32 में, देखिएगा जैसे हमने पहले किया था अब सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ हमने राइट कर लिया 32 और यहाँ पे हमने राइट कर लिया 5 to 8। अब हम इसको 16 से डिवाइड लगाते हैं और इसको भी 16 से डिवाइड लगा लेंगे, इसको 16 से डिवाइड लगा लेंगे, हमें मिलता है 2, मींस 2 और ये वाला x तो बच ही गया यानी 2x मिल गया। अब हम 16 से अगर इसमें डिवाइड लगाते हैं तो देखिएगा 16 को 5 टू 8 से डिवाइड अगर लगाते हैं तो 16 3 जा 48 यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या हुआ हमारा 12 यानी 4 ये आ गया, ये भी फिर 16 3 जा 48 यानी कितना मिल गया हमें 33, 16 बन जा 16 और यानी ये हमें मिल गया 33। तो देखिएगा 2x और ये माइनस का साइन तो आ ही जाएगा, मिल गया हमें 33। तो सेम टर्म मिला जो कि यहाँ पे है, लेकिन अब क्या है हमारे पास, हमने चूंकि माइनस कॉमन किया था तो साइन चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमें प्लस का 33 और इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, ये टर्म देखिएगा, ये वाले टर्म और हमारे ये वाले टर्म सेम है तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, मींस क्या है एक जगह राइट कर लेंगे। तो 2x प्लस का 33 ये हुआ और यहाँ क्या बचा, एक तो ये वैल्यू हमारे पास बच गई थी और एक ये 16 आ गया। तो इसको हम इस तरीके से राइट कर लेंगे, x माइनस का 16 इक्वल टू 0। उसके बाद में क्या करेंगे, हम अलग अलग इनको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे इक्वल टू के 0 रख के। चलिए 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा, 2x और ये 33 प्लस का है, ट्रांसपोज करेंगे उस तरफ तो हो जाएगा माइनस का 33 और ये x इक्वल टू माइनस का 33 अपॉन 2। देखिएगा x की हमें दो वैल्यू मिली है, एक तो माइनस 33 अपॉन 2 आ गया, दूसरी वैल्यू हमें क्या मिलेगी ये देखिए, इसको हमने इक्वल टू 0 कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो 16 आ जाएगा, वो भी प्लस का, तो एक वैल्यू हमें प्लस का 16 आ गई। तो अब हमारे लिए ये कंसिडर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, तो हमें रिमाइंडली ये चीज देखना है कि जो वैल्यू निगेटिव में हो तो निगेटिव वैल्यू को हम लीव कर देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को हम टेकन आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने x किसको लिया था, ब्रेथ को लिया था, इट मींस हमारी सो दैट ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी 16 मीटर हो जाएगी और लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हमारे पास कितनी थी, लेंथ क्या थी हमारे पास 2x प्लस 1 थी, तो 2x प्लस 1 तो देखिएगा 2 तो ये सेम आ गया और x के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे 16 प्लस का प्लस और 1 मींस क्या आ जाएगा, देखिए 16 टू जा 32 और ये 1 प्लस यानी 33 मीटर यानी एक वैल्यू हमारे पास 33 मीटर आ गई। तो यानी जो हमारी ब्रेथ थी वो 16 मीटर आ गई, लेंथ थी वो 33 मीटर हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं इसमें, अगर आपको यहाँ पे कॉमन लेने में प्रॉब्लम्स हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया कि 16 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पे क्या था हमें 2 मिलना था, तो ऐसे किस नंबर से डिवाइड करें कि 2 मिल जाए, तो 16 से डिवाइड करेंगे तभी 2 मिल जाएगा। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप क्या करें, डायरेक्ट इन दोनों डिजिट का HCF निकाल लें। यहाँ पे हम देखिएगा मैंने HCF आपको सॉल्व करके दिखाया है, ये आप क्या करें दोनों डिजिट का HCF निकाल लें और इन दोनों डिजिट का जो भी HCF होगा उसी से आपको डिवाइड लगाना है भाई, आपको कॉमन करना है। तो हम क्या करेंगे देखिए, 32 से हमने क्या कर लिया
5 टू 8 को डिवाइड कर लिया तो 32 बन जा, 32 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 माइनस 0 2 माइनस 2 0 आ गया और 5 माइनस 3 2 आ गया। ये 8 को हमने यहाँ पे कैरी कर लिया। फिर 32 का डिवाइड लगाया तो 32 6 192 होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेपरेट किया, देखिए 8 माइनस 2 यहाँ पे 6 आ गया और ये कैरी करेंगे 10 माइनस 9 1 आ गया, यहाँ पे तो 0 हो ही जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 16 से इस 32 को डिवाइड लगा देंगे, जब ऐसे अब निकालेंगे तो फिर 16 2 जा 32 होता है। तो यानी ये जो हमें वैल्यू मिली 16, यही हमारा हो जाएगा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों वैल्यूज में हमें क्या कॉमन लेना है। फिर हम क्या करेंगे, बारी बारी से जैसे पहले किया था सेम प्रोसेस कर लेंगे। अब हमें ये वैल्यू तो 16 पता चल गई ना, यानी हम 32 को 16 से डिवाइड लगाएंगे 2 मिल जाएगा और 528 में 16 से डिवाइड लगाएंगे तो 33 मिल जाएगा। यानी ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। अगर आपको ओरली देख के पता लग जाता है कि क्या कॉमन करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी डिजिट बड़ी हुआ करें तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्टली HCF निकाल लिया करें। आप भाई को दे दीजिए और वो आप ले लीजिए। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306 है, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, उनके इंटीजर अलग अलग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स, तो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, सो दैट सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसके बाद में क्या करेंगे, पहला कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है क्रम से आने वाले इंटीजर। जैसे मान लिया 1 है, देखिए 1 है, अब 1 के बाद 2 आता है तो 2 कैसे आता, देखिए 1 तो 1 है ही है, 1 के बाद जब 2 आएगा तो 1 में 1 ऐड होगा तभी 2 मिलेगा हमें। अब इसके 2 के बाद अगला जो कॉन्सिक्यूटिव होगा तो 2 में क्या कर देंगे, 2 में फिर से 1 प्लस कर देंगे तो 3 मिल जाएगा। यानी कॉन्सिक्यूटिव नंबर कैसे मिलता है कि जो पहले वाला नंबर होता है उसमें एवरी टाइम 1 प्लस करने पर हमें क्या मिलता है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मिलता है। तो हमारे पास पहला इंटीजर क्या था, x था, तो x का अगला इंटीजर हमें कैसे मिलेगा, जब हम इसमें 1 प्लस कर देंगे तभी हमें अगला इंटीजर मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306 है, यानी x का और x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306 है और हमें इंटीजर निकालने। अब इसको हम एज इट इज पहले वाले क्वेश्चन के जैसे सॉल्व कर लेंगे, x और x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बन जाए x होगा, 306 को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0 आ गया। अब फिर से सेम प्रोसेस, 306 के हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, देखिएगा तो 3 बन जा 3 हो गया, 0 का 0, 3 2 जा 6 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 बन जा 3 हुआ, 2 लेफ्ट आया, 3 7 जा 21, अब 17 बन जा 17 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसमें, अब हम इसको कर लेते हैं 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये तो एक 18 हुआ, दूसरा हमारा हो जाएगा 17, यानी 18 में से 17 जाएगा, मिलता है हमें 1, जो कि हमें इतना ही चाहिए था माइनस करने पर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर हमें जो मिडिल टर्म है वो मिलना चाहिए। x को हम 1 काउंट करेंगे ना कि x बोलेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर, यहाँ राइट करेंगे 18x माइनस का 17x माइनस का 306 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कर लेंगे, x कॉमन कर लेंगे। अब देखिएगा फिर से वही बात आ जाती है, इन दोनों में x है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं जो कॉमन हो जाए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x ही कॉमन लेंगे, एक x अंदर आ जाएगा, यहाँ पे ये 18 आ जाता है। इसी प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखिएगा, अब इन दोनों में क्या कॉमन लें, वही पुरानी बात, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम HCF निकाल लेंगे 17 और 306 का, तो जो HCF होगा, HCF हमारा 17 ही मिलेगा हमें, आप निकाल के देख लीजिएगा, इन दोनों का जो HCF होगा वो 17 ही मिलेगा, क्योंकि हमें एक चीज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमें x मिलना चाहिए सिंगल,
तो x का मिलेगा इसमें सिंगल जब 17 को डिवाइड कॉमन कर लेंगे और दोनों वैल्यू किसकी हमारे पास है माइनस की है तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन करेंगे यहाँ पे और माइनस का 17 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस ये 18 मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे x प्लस 18 कैसे आ गया क्योंकि ये वैल्यू किसकी है माइनस की है अगर हम माइनस कॉमन करेंगे तो वैल्यू हमें किसमें मिल जाएगी पॉजिटिव में मिल जाएगी तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 18 बिकॉज 17 और 306 का जो कॉमन HCF है वो 18 आता है। अब इन दोनों में से हम क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 18 मिल जाएगा हमें और x माइनस का 17 आ जाता है इक्वल टू हो गया जीरो। इस तरीके से x प्लस 18 इक्वल टू जीरो हुआ x इक्वल टू माइनस का 18 ये हो जाता है एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस का 17 इक्वल टू जीरो यानी x इक्वल टू 17 दूसरी वैल्यू ये आ गई हमारे पास। तो क्या हुआ हम कौन सी वैल्यू लेंगे हम ये पॉजिटिव वाली वैल्यू को ले लेंगे सो दैट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 17 और जो हमारा सेकंड नंबर होगा वो हो जाएगा 17 प्लस 1 क्यों क्योंकि हमें x में एक ही तो प्लस करना है और x के प्लस पे हम क्या लेंगे 1 वैल्यू लेंगे 17 लेंगे प्लस हमारा सेम था और ये हमें मिल जाएगा 18 तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है।